सुनिए सुनिए सुनिए, आज मुसम्मी जमालुद्दीन सनाब अब्दुल सुभान गुट सतना गुल का मकान को मुतलका अथॉरिटी ने अटैच करने का हुक्म सादर फरमाया है। गुल में कल जुम्मा के दिन भी ऐसी 3 प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया। हालांकि पुलिस के रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि गुल रामबन के अंदर कल जुम्मा को उन 3 प्रॉपर्टियों को सीज कर दिया गया। 2 अगस्त 2022 को जिन 3 आदमियों की प्रॉपर्टी सीज कर दी गई है, उन्होंने 2 अगस्त 2022 को गुल के पुलिस स्टेशन पर हमला किया था और कल उनकी प्रॉपर्टी सीज कर दी गई। उसमें से जिन लोगों की प्रॉपर्टी सीज की गई है उनमें अब्दुल मजीद लोन, मोहम्मद फारूक जो कि रिहायशी घर है, और शादीन जो एक केमिस्ट ड्रग स्टोर है। आपको ये पूरी जानकारी हम देंगे कि आपको याद होगा कि मार्च 2022 को जब इंतजामिया आदिया की तरफ रुजू उन्होंने किया था, तब ये बताया गया था कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर किसी घर के अंदर या किसी प्रॉपर्टी या किसी बिल्डिंग के अंदर किसी मिलिटेंट को आप पनाह दोगे या उस बिल्डिंग के अंदर या उस घर के अंदर इनकाउंटर होगा, तो उस प्रॉपर्टी को UAPA के तहत सीज कर दिया गया। ऐसा ही कल हुआ गुल रामबन में। पूरी रिपोर्ट देखिए इस वीडियो में। सुनिए सुनिए सुनिए, आज मुसम्मी जमालुद्दीन सनाब अब्दुल सुभान गुट सतना गुल का मकान जो के मुसम्मी फारूक अहमद बल्दे जमालुद्दीन ने किराए पर कमरा हासिल किया था और मजकूरा मुकदमा इलत 69 साल 2022 में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस पाया गया है और सरदस्त ज़ेर हिरासत चला आ रहा है। और मजकूरा का कमरा जो के मजकूरा ने किराए पर जमालुद्दीन से हासिल किया था, दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। बदी वजह मुकाम जमालुद्दीन मजकूर को मुतलका अथॉरिटी ने अटैच करने का हुक्म सादर फरमाया है। अमरोज मुकाम मजकूरा को करार हुक्म मुतलका अथॉरिटी रूबरू मजिस्ट्रेट व दिगर अहदेदारान पुलिस अटैच किया जा रहा है। मजकूरा के मुकाम को आइंदाबाद ना ही मजकूरा खुद और ना ही मजकूरा के अहलखाना का कोई फर्द या अफराद फरोख्त या जाया कर सकता है और ना ही किसी किस्म की तब्दीली कर सकता है। कोई भी कदम उठाने से पहले मुतलका अथॉरिटी से इजाजत हासिल करनी होगी।